हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल ज्ञान अलर्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भाग टू रखने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण विषय का, जो कि RSCT एग्जाम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने इसके पहले आपके सामने भाग वन रखा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप भाग वन भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो भाग टू है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की, जो कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, वह है केबल, नेटवर्क लेयर, टॉपोलॉजी, इंटरनेट, एक्सट्रानेट, फायरवॉल, MS एक्सिस के कुछ MCQ। तो वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है, तो जरूर से आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट दीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है ट्विस्टेड पेयर वायर। इसमें बता रखा है आपको, मैंने इस चित्र में आप देख लीजिए कि केबल किस तरीके से होती है। तो इसमें क्या होता है, इस केबल में दो तारों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इस केबल में क्रॉस टॉक ना हो इसलिए दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है, और ये केबल जो आपकी इस्तेमाल होती है वह टेलीफोन लाइनों में काम में आती है। तो आप देख लीजिए केबल में क्या लगा रहता है, केबल जैकेट लगा होता है जिससे ये ढकी हुई होती है, और जो वायर होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, जो इसके अंदर वायर के अंदर जो होता है वह आपके कंडक्टर होता है। अब बात करते हैं दूसरी लेयर केबल की, आपके जो होती है वो आपके कोएक्सिकल केबल होती है। ये इस केबल में एक केंद्रीय तार होता है जो इंसुलेशन से घिरा होता है, मतलब इसमें एक ही तार आपके होता है, जो कि आपको चित्र में दे रखा है, जिसको अपन कहते हैं सेंटर कोर, जो कि केबल वीडियो और केबल बिजली और रेडियो आवृत्ति को कम कर देता है। इस केबल का इस्तेमाल जो होता है वह आपके टीवी में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिस्क में आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। इसमें प्लास्टिक का जैकेट लगा होता है, फिर उसके बाद में मेटेलिक शील्ड लगी होती है, फिर डायलैक्ट्रिक इंसुलेटर, फिर उसके बाद में जो मेन तार होता है वह आपका होता है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो RSCT के एग्जाम के अंदर ऑप्टिकल फाइबर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस केबल में ग्लास या फिर प्लास्टिक के धागे का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें आपने देख रहे हैं चित्र के अंदर कि जो इसमें जो तार जो होते हैं वह आपके प्लास्टिक के धागे का उपयोग किया जाता है। फाइबर केबल ग्लास के धागों से बनता है, वह इसकी बैंडविड्थ भी अधिक होती है। इसमें डाटा डिजिटल तरीके से भेजा जाता है, मतलब अगर आपको इसमें डाटा संचारित करना है तो यह सबसे फास्ट डाटा संचारित की तकनीक केबल है। फिर बात करते हैं नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर आपके सामने चार प्रकार की दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क लेयर की, तो इस केबल में जो भी डाटा फिजिकल रूप में भेजा जाता है, मतलब अगर डाटा को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको फिजिकल रूप में, मतलब कोई वायर या फिर कोई तार की आपको जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं इंटरनेट लेयर की, तो यहाँ डाटा पैकेट्स के रूप में भेजते हैं, मतलब जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वह किस फॉर्म में जाता है, पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, जिसे हम कहते हैं IP डाटाग्राम कहा जाता है। तो ये इस लेयर के अंतर्गत आता है, आपके इंटरनेट लेयर के अंतर्गत आता है। हाँ तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेटवर्क टॉपोलॉजी। नेटवर्क टॉपोलॉजी में सबसे पहले जो प्रकार आपको दिया गया है वह होता है बस टॉपोलॉजी। तो इसका जो संरचना होती है वह आपके एक बस की तरह होती है, जिसमें एक बीच में जो तार होता है वह एक मेन तार होता है, जिसमें बता रखा है कि बस टॉपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से क्रम में जोड़ा जाता है। तार की शुरुआत तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी टॉपोलॉजी है जिसके अंतर्गत एक ही तार का प्रयोग किया जाता है, मतलब या फिर ऐसा भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी टॉपोलॉजी है जिसके अंतर्गत सभी PC एक तार पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसका आंसर होगा आपके सामने बस टॉपोलॉजी। उसके बाद आता है आपके सामने स्टार टॉपोलॉजी। तो इसका जो चित्र है वो आपको एक स्टार की तरफ समझना है। इसमें जो नोड होती है वह सेंट्रल नोड होती है, बाकी सारे के सारे जो PC होते हैं वो एक ही नोड से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपके सामने अगर बीच वाली नोड अगर खराब हो जाती है तो सारा का सारा नेटवर्क आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है स्टार टॉपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है, एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। इसमें लोकल कंप्यूटर आपस में जुड़े नहीं होते हैं, इसमें केवल होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो मेन जो कंपोनेंट होता है वो आपका सेंट्रल नोड ही होती है। क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि ऐसा कौन सी टॉपोलॉजी है जिसके अंदर सेंट्रल नोड होती है, यानी सारे के सारे जो PC होते हैं वो एक ही नोड पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वह होता है आपका स्टार टॉपोलॉजी। हाँ तो फ्रेंड, अब आता है आपके नेक्स्ट टॉपोलॉजी, रिंग टॉपोलॉजी। रिंग टॉपोलॉजी में कोई होस्ट कंप्यूटर कंट्रोल नहीं होता है, इसमें सभी कंप्यूटर क्या होता है, एक गोलाकृत आकृति में जुड़े होते हैं। तो मतलब रिंग जो जिस तरह की होती है अपनी, कि सारे गोल तरीके से होती है, तो ये सारे के सारे जो कंप्यूटर होते हैं वे एक दूसरे से गोलाकार आकृति के अंदर जुड़े रहते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपोलॉजी, ट्री टॉपोलॉजी, जो आपके सामने दे रखी है। मतलब ट्री टॉपोलॉजी में स्टार तथा बस टॉपोलॉजी के गुण विद्यमान होते हैं। मतलब इसके अंदर दो टॉपोलॉजी आती है, एक तो बस आती है आपकी और एक स्टार टॉपोलॉजी, दोनों आती है जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। फिर बात करते हैं हाइब्रिड टॉपोलॉजी की। तो हाइब्रिड टॉपोलॉजी की मदद से एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। फिर बात करते हैं मैश टॉपोलॉजी की। तो मैश टॉपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। तो ये सारी की सारी टॉपोलॉजी मैंने आपको बता दी है, तो आप एक बार सभी टॉपोलॉजी को देख लें, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें, इनका चित्र समझ लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं इंट्रानेट की। तो इंटरनेट क्या होता है? इंट्रानेट जो होता है वो आपका इंटरनेट नहीं होता है। इंटरनेट क्या होता है? एक कंपनी का खुद का निजी नेटवर्क होता है। जैसे एक कंपनी स्वयं का नेटवर्क जो केवल कंपनी के मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब खुद की कंपनी की खुद की आईडी तो वो कंपनी का एम्प्लॉई यूज करता है, तो वह क्या होता है? आपका इंट्रानेट होता है। फिर बात करते हैं एक्सट्रानेट की। तो ये एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होता है। मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं, उनको आपस में जोड़ना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आप एक्सट्रानेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है आपके सामने फायरवॉल। तो फायरवॉल एक बाहरी आक्रमण से अपने कंप्यूटर को बचाने के काम में आता है। यह एंटीवायरस नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। फायरवॉल बाहरी आक्रमण से अपने कंप्यूटर को बचाने के काम में आता है, तो यह एंटीवायरस की तरह बिल्कुल अलग होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, एमएस एक्सिस एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यह एग्जाम के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। मैं ऐसे वीडियो के अंदर आपके थोड़ा बहुत एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तो आप उनको भी नोट डाउन करते चलें। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अगर नया वीडियो लाता हूँ तो आपको उसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।